हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक BHC स्टूडेंट हो तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा सिलेबस क्या होती है। तो देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे BHC 6 सेमेस्टर मैथ मेजर सिलेबस, इसके बारे में जानेंगे एंड साथ ही साथ हम सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए टोटल पेपर कितने 5 होती है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर ओके, पेपर नेम, थ्योरी, इंटरनल एंड टोटल नंबर, सभी चीज़ हम बताऊंगा। तो पेपर नंबर 1 क्या है, 6.1। इसका जो पेपर का यूनिट होती है 4 यूनिट होती है एंड पेपर का नेम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। टोटल मार्क्स 60, ये आपको थ्योरी होगा एंड इंटरनल जो सेशनल होती है आपको 15 मार्क्स होगा। टोटल कितना 75। तो नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 6.2, यहाँ पे यूनिट कितना 4 होती है एंड पेपर का नेम क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। यहाँ पे सेम प्रोसेस, थ्योरी प्लस इंटरनल आपको सेम होगा। नाउ पेपर 3 देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत हो, यूनिट कितना 4 है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी, तो इसका जो थ्योरी मार्क्स होती है 14 मार्क्स होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल 20 एंड इंटरनल आपको 15 मार्क्स होगा। तो टोटल कितना 75। तो यहाँ पे 6.4 यूनिट होती है 6, पेपर का नेम क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मार्क्स कितना 16 थियोरी आपको एंड 15 इंटरनल, दोनों जोड़ के 75। नाउ 5 यूनिट, पेपर 5 क्या है, इसका यूनिट कितना 5 है एंड पेपर का नेम ग्राफ एंड कॉम्बाइनेटोरिस, तो इसका मार्क्स कितना थियोरी 16 प्लस इंटरनल 15 मार्क्स, दोनों जोड़ के 75। तो नाउ अब हम जानेंगे सिलेबस क्या है। तो देखिए फर्स्ट हम जानेंगे पेपर 1.1 क्या है। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको पेपर 1 यानी कि हाइड्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे जो यूनिट 1 का आपको टॉपिक है प्रेशर इक्वेशन, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लाइंस ऑफ फ्री होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस फ्लूइड्स, इलास्टिक फ्लूइड्स, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर फ्लूइड, रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड रोटेटिंग फ्लूइड्स। चैप्टर का मार्क कितना 15। सेकेंड, फ्लूइड प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर ऑन कर्व सरफेस, मार्क्स कितने 15। थर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी कर्व्स ऑफ बाउंसी सरफेस ऑफ बाउंसी, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ओके, मेटा सेंटर, वर्क डन इन प्रोसीडिंग डिस्प्लेसमेंट, वेसल कंटेनिंग ए लिक्विड, मार्क्स कितने 15। फोर्थ क्या, गैस लॉ, मिक्सर ऑफ गैसेस, इंटरनल एनर्जी, एबायोटिक एक्सपेंशन, वर्क डन इन कंपेरिजन ए गैस, आइसोथर्मल, ऑटोस्फीयर, ओके, कनेक्टिव इक्विलिब्रियम, इसका मार्क्स कितने 15। तो ये है आपको पेपर 1। नाउ देखिए पेपर 2 क्या है। तो पेपर 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस पेपर का चैप्टर नंबर कितना 4 होती है टोटल यूनिट एंड यहाँ पे यूनिट 1 का टॉपिक है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर एंड ऑपरेटर्स यूज इन इट, नॉर्मलाइजेशन एंड सिस कॉन्सिक्वेंस इरोर इन एरिथमेटिक ऑपरेशन, ओके, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इरोर, ओके, ट्रांकेशन एंड राउंड ऑफ इरोर, अप्रोक्सिमेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस चैप्टर का मार्क कितने 10। सेकेंड, कैलकुलस ऑफ इन्फिनिट फाइनिट डिफरेंस, ओके, डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूला विथ रिमाइंडर टर्म, फाइनिट डिफरेंस ऑपरेटर एंड देयर ऑपरेटर ऑन फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, इंटरपोलेशन विथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स, न्यूटन फार्मूला, लग्रांजेस फार्मूला, गॉसेस, बेसेल एंड स्टर्लिंग फार्मूला, हार्मिट इंटरपोलेशन, इसका मार्क कितना 20 मार्क्स। थर्ड क्या होती है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऑफ एंड इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ट्रैपेज़ियर रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, ओके, वेडल रूल, न्यूटन कॉट फार्मूला, गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, ओके, सी बाई सी फार्मूला, मार्क्स कितना 20। तो यहाँ पे यूनिट 4 क्या है, देखिए सेपरेशन पॉलीनोमियल, तो जब भी हो बाइसेक्शन मेथड, स्कैंट मेथड, ओके, रेगुला फेस्टी मेथड, न्यूटन रिपल्सन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस एंड कंपेरिजन ऑफ मेथड, मार्क्स कितना 10 मार्क्स। तो ना देखिए पेपर 6.3 क्या है। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे पेपर 6.3 यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी।
तो इस चैप्टर का टोटल यूनिट कितने 4 है। तो ब्रीफ इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल पार्सिंग, मेन मेमोरी, सेकेंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट्स नीड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड कैरेक्टर इन कंप्यूटर, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल, ओके लैंग्वेज, ओके कंपाइलर, तो जब भी हो आप सिलेबस देख लीजिए। एलिमेंट्री डाटा टाइप्स, वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड आइडेंटिफायर्स, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोटिंग, ये यूनिट 2 जब भी हो। थर्ड यूनिट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इलास स्विच, एलिबरेट स्टेटमेंट, व्हाइल डू, व्हाइल फॉर, एरे, जब भी हो देख लो। एंड फोर्थ क्या है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन, कॉलिंग, कॉलिंग ए फंक्शन बाय वैल्यू, तो जब भी हो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रैक्टिकल इंटरनल, इसका सिलेबस टू इवेलुएट एंड एरिथमेटिक एक्सपेंशन टू फाइंड जीसीडी फैक्टोरियल, ओके जब भी हो सिलेबस। तो नाउ ये कंटिन्यू हो रहा है, तो नाउ देखिए इसका नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे पेपर 6.3 का कंटिन्यू चल रहा है। नाउ 6.4 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आपको यूनिट जो 1 होती है डिसेबिलिटी थ्योरी, ओके यहाँ पे कुछ टॉपिक है आप देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे टॉपिक है। नाउ डाइफिनाइट इक्वेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रीपोजिशनल कैलकुलस ये आप देख लीजिए, नाउ बोलियन अलजेब्रा, नाउ ये कंटिन्यू हो रहा है, देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या होती है बोलियन फंक्शन, तो ये आपको देख लीजिए। नाउ पेपर 6.5, तो यहाँ पे 5 यूनिट होती है एलिमेंट्री कॉम्बिनेटर्स, रूल एंड सम एंड प्रोडक्ट, टू मॉडल्स, सी काउंटिंग, ओके जब भी हो। नंबर 2 क्या है, वर्टिक्स ऑफ ग्राफ, वर्क एंड कनेक्टेडनेस, डिग्री प्रॉब्लम, ओके जब भी हो देख लो। थर्ड क्या है, ब्लॉक, कट पॉइंट, ब्रिज, ब्लॉक ग्राफ, जब भी हो। हर एक चैप्टर का मार्क्स 10 होती है। तो इस वीडियो में हम यही तक एंड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बीएससी सिलेबस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जब भी हो हम शेयर करेंगे। थैंक यू।